अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि चैप्टर हमारा चल रहा है रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, चैप्टर नंबर 2 है, आईकॉम्स मैथमेटिक्स है एंड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। अगर दूसरे ग्रुप में भी यही मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो तो वो ईजिली ये वाली मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ काफ़ी हद तक। अब मैंने आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज के बाद अब ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिसका नाम है डिवाइडिंग आ क्वान्टिटी इन आ गिवन रेशो। क्लियर? जिसकी मैंने एक्सरसाइज वो एग्जाम्पल नंबर 1 समझा चुकी हूँ, अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझाऊंगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें आप पहले, है क्या? डिवाइड रिस 720 अमंग द पर्सन अमंग 3% इन टू रेशो ऑफ 2, 3, 4। यानी कि ये अमाउंट हमें टोटल अमाउंट गिविन है, इसको हमें 3% में डिवाइड करना है और इस रेशो के मुताबिक करना है। फर्स्ट पर्सन को हमें 2% देना है, सेकेंड को 3 एंड 4 को, यानी कि सॉरी 3 को 4% देना है। क्लियर? सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है? गिवन रेशो, यानी हमें जो रेशो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। कितना गिवन है हमें? 2, 3, 4। देन सम ऑफ रेशो की हेडिंग आएगी, यानी कि सबको हमें प्लस करना है 3, 4, जिसका आंसर आएगा 9। क्लियर? इन सबको आपस में प्लस करके इसका आंसर हमें 9 निकाल लिया। अब हम यहाँ डालेंगे टोटल अमाउंट की हेडिंग। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में कितना गिवन है? रिस 720, तो हम यहाँ लिखेंगे 720। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हमें देना है, यहाँ हम फर्स्ट की हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट पर्सन को हमें देना है, फर्स्ट पर्सन गेट्स, या फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू भी डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आपको याद ना रहे। तो हम यहाँ टोटल अमाउंट लिखते हैं जो हमें गिवन होता है, सही है? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रेशो, क्योंकि हमें पहले वालों को क्या गिवन, मतलब पहले वालों को कितने परसेंट देना है? 2% देना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, यानी टोटल कितने? 9। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। क्लियर? अब इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 720 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा डिवाइडेड बाय 9। क्लियर? अब हम डिवाइड कर देंगे 9 से, इसका आंसर आया 160। तो हमने फर्स्ट को हमने दे दिया कितना? 160 इसका आंसर आया। अब हम सेकंड को देंगे, सेकंड पर्सन का रेशियो कितना है? सेकंड लिखेंगे पहले, यहाँ लिखेंगे सेकंड पर्सन गेट्स। सबसे पहले वही इक्वेशन पूरी बनेगी, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो आया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखने वाली चीज़ें, यहाँ हमें कितना देना है सेकंड पर्सन को? 3%। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। क्लियर? तो अब देखें आप, 720 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर हमारा आया 2160 और डिवाइडेड बाय 9। पहले हम यहाँ डिवाइडेड बाय 9 शो करेंगे, उसके बाद इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख देंगे। फाइनल आंसर इसका आया 240। क्लियर? अब हम थर्ड पर्सन का निकालेंगे, थर्ड पर्सन का भी एज इट इज निकलेगा, थर्ड पर्सन गेट, गेट्स लिख के हम क्या करेंगे, 720 टोटल अमाउंट डिवीजन बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई की साइन, और यहाँ देंगे थर्ड पर्सन को कितने परसेंट देना हमें? 4% देना है। तो हमने यहाँ लिखा 4। क्लियर? अब हमने लिखेंगे 720 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमें आंसर मिला इसका 2880 डिवाइडेड बाय 9। अब हम डिवाइड करेंगे 9 से, इसका आंसर आया हमारे पास 3200। तो दोस्तों हमने तीनों के इसके आंसर निकाल लिए। अब यहाँ तीन वैल्यूज में डिवाइड करना था, तीन के आंसर निकाल लेते हमें। क्लियर? तो हमने ये तीनों पर्संस के आंसर निकाल लिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर आप ये सोचें कि लास्ट में पता नहीं हमने सही डिवाइड किया है या नहीं किया, तो मैं इसकी आपको चेकिंग का तरीका बता रही हूँ। चेकिंग किस तरह करेंगे ये देख लें।
यहाँ चेकिंग की हेडिंग डाल देंगे, तो इससे आपको प्रूव हो जाएगा कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जितने रेशो हैं, क्लियर, 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो, क्लियर। अब हमने जिस तरीके से जिसका आंसर निकाला वो रख देंगे, जिसका आंसर है 160, क्लियर, प्लस की साइन लगा दी। यहाँ पे हमने लिखा दूसरे के जो हमने आंसर निकाला है सेकंड पर्सन का 240, प्लस थर्ड 320, क्लियर। अब हम क्या करें, इसको आपस में सम कर लेंगे। सिंपल है, कोई मुश्किल चेकिंग नहीं है, इजीली आप लोग कर लोगे और आप यानी कि बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम हॉल से आएंगे कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो इसका टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, 720, क्लियर। और यहाँ हम टोटल अमाउंट चेक करेंगे, यहाँ देखें ऊपर टोटल अमाउंट इसका हम चेक करेंगे, जिसका हमें टोटल अमाउंट गिवन है 720। अगर यही प्लस करने पे आंसर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपने ठीक से आपस में रेशो को डिवाइड किया है। तो दोस्तों आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।